नमस्कार किसान भाइयों, मैं शिवम लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हर बार हम आप सब के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, उसी तरह हम आज फिर हाजिर हैं आप सब के लिए बहुत कुछ खास लेकर। किसान भाइयों, बजट आ चुका है। कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम आपको बताएंगे कि किसानों के लिए क्या कुछ खास सौगात लेकर आया है सत्र 2018-19 का बजट। भाइयों, इस बार का बजट बेहद खास है। वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीद हर वर्ग को है और राहत भी सभी को मिली है। सभी की नज़रें इस बार इस बात पर टिकी थी कि कृषि क्षेत्र की खस्ता हालत को दुरुस्त करने के लिए सरकार क्या करेगी और जेटली के पिटारे से क्या क्या निकलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट 2018-19 पेश किया। ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई बड़ी सौगातें दी हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को और बजट को समझने की कोशिश करिए। केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट गुरुवार को पेश कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने भाषण की शुरुआत में ही किसानों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। संसद में बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने किसानों के लिए उनकी आय से लेकर उनकी खेती तक कई जरूरी मसलों को भी सामने रखा। उन्होंने पिछले साल हुए किसानों के फायदे के बारे में बताया और आने वाले साल में किसानों के मुनाफे के लिए क्या नया करने की तैयारी है इस बारे में भी बताया। आइए जानते हैं कि बजट पेश करते वक्त अरुण जेटली ने किसानों को लेकर क्या घोषणाएं की। देश के किसानों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज देश की कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किए गए सिद्धांत के अनुसार सरकार ने आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम डेढ़ गुना करने का फैसला ले लिया है। मेरा विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दुगनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। हमारी सरकार किसी भी विषय को टुकड़े टुकड़ों में नहीं वरना समग्रता के साथ सुलझाने की अप्रोच के साथ काम करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं है, ये अधिक महत्वपूर्ण है कि घोषित MSP का पूरा लाभ किसानों को मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि बाजार के दाम MSP से कम हो तो सरकार या तो सरकार MSP की खरीदी करे या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत ये सुनिश्चित करे कि किसानों को पूरा MSP मिले। नीति आयोग केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर एक पुख्ता व्यवस्था तैयार करेगा जिससे किसानों को उनकी फसल के उचित दाम दिलवाए जा सकेंगे। बजट 2018 क्या है खास? हर खेत को पानी, कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपए का ऐलान। 1200 करोड़ बांस क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन। बांस को पेड़ की श्रेणी से अलग किया जाएगा। खेती के लिए 10 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड। आलू प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन। किसानों को कम लागत में ज्यादा उपज की मदद। दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। किसानों को उचित दाम दिलाने की कोशिश। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया गया। गरीबों को मुफ्त में डायलिसिस सुविधा और अन्य सभी सरकारी सेवाएं ऑनलाइन होंगी। दर्शकों, वैसे तो सरकार का हर बजट किसानों और गरीबों को समर्पित रहता है, उसमें कृषि विकास के लिए लंबी चौड़ी घोषणाएं की जाती हैं। हर बार ये भरोसा भी होता है कि अब खेती के दिन पलट जाएंगे। 2015-16 में कृषि बजट तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए था, जो 16-17 में दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर करीब 36,000 करोड़ रुपए हो गया। 17-18 में ये 41,000 करोड़ हुआ और ये इस साल भी बढ़ा है। अब आइए जानते हैं कि बजट में किसानों के लिए और क्या खास है। बजट 2018 कृषि तोहफे।
खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऐलान। पिछले साल फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र 8% की दर से बढ़ा। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए 1400 करोड़ रुपए का ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालकों को देने का ऐलान। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना का तीसरा दौर, स्कूल अस्पताल तक सड़कें ले जाएंगे। अगले 2 साल में 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य। आठ करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन। केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने राजनीतिक लाभ हानि पर ध्यान दिए बिना हर क्षेत्र को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने देश में किसानों, गरीबों और दूसरे कमजोर वर्गों को लाभ देने और अविकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। सरकार उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दे रही है। वहीं सौभाग्य योजना के माध्यम से 4 करोड़ घरों में बिजली कनेक्शन से उसको जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने आगामी खरीफ से सभी अघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम 1.5 गुना करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना तय किया जा चुका है। बजट 2018 में सरकार ने बड़े पैमाने पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया है। बड़े क्लस्टरों, विशेषकर प्रत्येक 1000 हेक्टेयर में फैले क्लस्टरों में किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उत्पादक संगठनों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र के छोटे और सीमांत किसानों की कार्यशैली पूंजी संबंधी जरूरतों की पूर्ति में मदद के लिए एक प्रमुख कदम की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्डों की सुविधा इस क्षेत्र को भी देने की बात कही। इससे पशु, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी और मत्स्य पालन के लिए फसल ऋण और ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जो अब तक केसीसी के तहत केवल कृषि क्षेत्र को ही उपलब्ध था। तो किसान भाइयों, ये तो थी 2018-19 में पेश हुए बजट से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें दे सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप व्यावसायिक खेती यानी आम से खास खेती किस तरह से कर सकते हैं, आम के बाग में कीट प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं और बेहतर मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में। किसान भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बजट के बारे में बताया था, किसानों के लिए इसमें क्या कुछ खास था ये हमने आपको बताया। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करेंगे आम में लगने वाले रोगों और उनके नियंत्रण के बारे में। आम की खेती लगभग पूरे देश में की जाती है। आम एक तरीके का रसीला फल होता है और इसे भारत में फलों का राजा भी कहते हैं। इसकी मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं और ये बेहद खास होती है। रिपोर्ट देखिए। आम मनुष्य का बहुत ही प्रिय फल माना जाता है। इसमें खटास लिए हुए मिठास पाई जाती है, जो कि अलग अलग प्रजातियों के मुताबिक फलों में कम ज्यादा मिठास पाई जाती है। कच्चे आम से चटनी, अचार के साथ साथ पेय पदार्थों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे जेली, जैम, सिरप ये सभी बनाए जाते हैं। ये विटामिन ए और बी का अच्छा स्रोत है। आइए जान लेते हैं आम के कुछ अन्य उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। प्रजातियाँ: दशहरी, लगड़ा, चौसा, फजरी, बॉम्बे ग्रीन, अल्फांसो। तोतापरी, हिमसागर, किशनभोग, नीलम, सुवर्णरेखा और वनराज। आम के बीजू पौधे तैयार करने के लिए आम की गुठलियों को जून जुलाई में बोया जाता है। भारत में फलों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में 36% है, जिसमें से 22.97 लाख हेक्टेयर पर आम की खेती की जाती है। आम की खेती उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर होती है। आम की खेती में दोनों राज्यों में
प्रत्येक का हिस्सा 23% है। इन दोनों राज्यों के बाद कर्नाटक, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु में भी आम काफी मात्रा में पैदा किया जाता है। खाद और उर्वरक, नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस प्रत्येक को 100 ग्राम प्रति पेड़ जुलाई में पेड़ के चारों तरफ बनाई गई नाली में देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मृदा की भौतिक और रासायनिक दशा में सुधार के लिए 25 से 30 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद प्रति पौधा देना उचित पाया जाता है। जैविक खाद के लिए 250 ग्राम एजोस्पाइरिलम को 40 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाकर थालों में डालने से उत्पादन में वृद्धि होती है। भारतीय आम आज पूरी दुनिया में मशहूर है। गर्मी के दिनों में आम खाने का मजा ही अलग होता है और आम का नाम लेते ही मुंह में रस खुल जाता है। आम में कई तरह के विटामिन भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। इसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं और आम का फल अलग अलग तरीके के रंगों का भी होता है, जैसा पीला, नारंगी, लाल और हरा रंग। दुनिया भर में आम की सबसे ज्यादा पैदावार भारत में ही होती है। आम में नर्सरी से लेकर भंडारण तक हर स्तर पर कीटों और बीमारियों का प्रकोप होता है। इनके द्वारा आम के उत्पादन को लगभग 30% हानि होती है, जिनका वक्त रहते प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। लीफ हॉपर ये आम का प्रमुख कीट है जो साल भर बाग में रहता है, लेकिन फूलों के आने के समय अधिक सक्रिय हो जाते हैं। लीफ हॉपर कीट के समाधान के बारे में उचित जानकारी दी है चंद्रभानु गुप्ता, कृषि महाविद्यालय के प्रवक्ता एवं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह ने। प्रिय किसान भाइयों, लखनऊ आम की बेल्ट कहा जाता है और लखनऊ का मलिहाबाद आम के उत्पादन में बहुत प्रसिद्ध है। विश्व भर में मलिहाबाद पहचाना जाता है। इस पहचान को कुछ कीट बहुत ही प्रकोप करके फसल को नष्ट कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो इस समय सीजन है, इसमें लीफ हॉपर का प्रकोप अधिक हो रहा है। लीफ हॉपर एक ऐसा कीट है जो बहुत ही सेंसिटिव होता है और जैसे ही आप पौधे के पास जाएंगे तो वो बहुत तेज़ी से उड़ता है, छोटा सा, बहुत छोटे आकार का और छाल में छिपा हुआ रहता है। इस समय लीफ हॉपर की जो अंडे हैं वो हैच हो करके उनसे निम्फ निकल रहे हैं और जो हल्के से जिसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो रही है वहाँ पर ये पत्तियों से और फ्लावर से रस को चूस करके नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्रिय किसान भाइयों, इनको नियंत्रित करने के लिए आपको शीघ्र ही इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले आप मार्केट से इमिडाक्लोप्रिड ले लेंगे और लेने के बाद जो है 1 ml इमिडाक्लोप्रिड को जो है 1 लीटर पानी में घोल बना करके आप आम के बागों में छिड़काव करेंगे। ध्यान रहे कि ये छिड़काव सल्फर के साथ होना चाहिए। अगर आप सल्फर का छिड़काव कर दिए हैं तो इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव आप अतिशीघ्र कर दीजिए, नहीं तो आपका अधिक नुकसान हो जाएगा। भारत में आम के पेड़ों की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। इसके अलावा आम के पेड़ की धार्मिक महत्ता भी बहुत ज्यादा है। धार्मिक दृष्टि से इसे पवित्र माना जाता है। इस पेड़ की लकड़ी और पत्तियां कई धार्मिक स्थानों पर इस्तेमाल की जाती है। आम के पेड़ पर फल लगने से पहले उस पर फूल लगते हैं, धीरे धीरे इसे फल बनना शुरू हो जाता है, लेकिन फूल से फल लगने के दौरान इस पर अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप रहता है। आइए जानते हैं चंद्रभानु गुप्ता, कृषि महाविद्यालय के प्रवक्ता एवं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह से मीलीबग कीट के उपचार के बारे में। दूसरा मुख्य कीट जो है मैंगो मीलीबग लगता है। इसकी मादा सफेद कलर की होती है, जमीन में अंडे देती है और इस समय मादा जो है अंडे से निकल करके उसके निम्फ जो हैं निकल चुके हैं और वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना प्रारंभ कर दिए हैं। भाइयों, आप लोगों को बताएं कि इसके लिए जो है आप कम से कम 1.5 मीटर की पॉलीथीन ले लीजिए और नीचे मिट्टी चिपका करके उस पॉलीथीन को उसके ऊपर चस्पा कर दीजिए। जब आप पॉलीथीन को चस्पा कर देंगे तो इनके निम्फ पौधों के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, जिससे आपका आम का बागान बच जाएगा। तीसरा मुख्य कीट लगता है फलन की अवस्था में। जब फल छोटे छोटे बटन के आकार के हो जाते हैं तो इसमें एक जो है हेलिकोबर्पा नामक कीट लगता है जो काटता है, छोटे छोटे फलों को काट करके नीचे गिरा देता है। इसके लिए भाइयों आपको सलाह दी जाती है कि आप
मैलाथियान नामक कीटनाशक का छिड़काव जैसे ही आम में बटनिंग अवस्था हो उस समय आपको कर देना है। छिड़काव कैसे करना है, 1 से 1.5 ml मैलाथियान को लेकर के 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके आम के बागानों में छिड़क देना है। आम गोंद लेने वाला पेड़ है, इसके पुराने पेड़ों के तनों और शाखाओं पर गोंद निकलता है। बसंत के शुरू होते ही आम के पेड़ों पर फूल आने शुरू हो जाते हैं और मार्च से अप्रैल तक पेड़ फूलों से बदलकर गुच्छों से भर जाता है और इसे बौर कहा जाता है। आम के पेड़ पर फूलों के झड़ते ही छोटे छोटे फल आने शुरू हो जाते हैं। देखा जाए तो आम को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, गूदे वाला आम और रस वाला आम। आम एक बड़ा ही उपयोगी वृक्ष है जिसकी लकड़ी, छाल, पत्ते, गोंद, बीज बड़े ही उपयोगी होते हैं और इसके अलावा ये पेड़ औषधीय गुणों के लिए भी माना जाता है। इसके तने, शाखा और छाल से कई तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार की जाती हैं और इसके अलावा आम की लकड़ी पानी में लंबे वक्त तक खराब नहीं होती, इस वजह से इसको काफ़ी टिकाऊ माना जाता है और कई टिकाऊ चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह से जान लेते हैं अच्छे उत्पादन और अच्छे फलों के लिए किस तरह से इसके फसल की सुरक्षा की जाए। तो कम मात्रा में जो है रसायन का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि रसायन की मात्रा जो है आम जो है सक कर लेता है, सोख लेता है। इसमें जो है डाइक्लोरोवास नामक एक कीटनाशक आता है, उसका 1 ml 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। फिर उसके बाद जो है कभी कभी ये देखा गया है कि जब आम तोड़ करके रखा जाता है तो उसमें भी ये फ्रूट फ्लाई अटैक कर जाती है, तो ये ध्यान देना चाहिए कि जिस फ्रूट में होल बने हों, छोटे छोटे होल हों, उन फ्रूट्स को पैक नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आम की मैगेट्स दूसरी जगह जाएगी और वहाँ से एडल्ट बन करके नुकसान पहुँचाएगी। तो किसान भाइयों, ये तो थी आम के बाग में लग रहे कीटों के समाधान से जुड़ी जानकारी। अगर आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-121-0199। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो किसानों द्वारा पूछे गए खेती से जुड़े सवालों से आपको रूबरू कराएंगे। किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारी फलों, फसलों और फूलों की खेती के बारे में जानकारी दी है। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हों इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसे हम किसानों की ओर से सराहना हासिल करने के लिए और खेती की जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए इस्तेमाल करते हैं और किसान हमसे संपर्क करते हैं। किसान भाइयों के सवालों का हम अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी करते हैं। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा है और इसका जवाब जानने की कोशिश की है। बिहार के रहने वाले किसान भाई राजेश कुमार ने हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आपका सवाल, काली मिर्च की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। हमारा जवाब, राजेश जी, काली मिर्च एक उष्णकटिबंधीय संयंत्र है और ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जहां पर तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है वहां पर काली मिर्च का विकास नहीं हो पाता है। काली मिर्च की फसल को मध्यम सर्दियों वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। काली मिर्च की कलमों को सितंबर महीने के मध्य में लगाना चाहिए। राजेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल की। हरियाणा के रहने वाले किसान भाई संजय ने हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे संपर्क किया और अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमसे जानना चाहा, आपका सवाल, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को किस प्रकार अपना सकते हैं। हमारा जवाब, संजय जी, भारत में ऐसे कई स्टार्टअप हैं जो छत पर खेती करने के तरीकों के बारे में लोगों को समझाते हैं। जयपुर की कंपनी द लिविंग ग्रीन्स शहरों के छत पर जैविक विधि से खेती करने का पूरा सेटअप तैयार करती है।
ऐसी ही एक कंपनी ई खेती मुंबई और पुणे में है। दिल्ली में खेती फाई और एडिबल रूट्स, हैदराबाद में होमोक्रॉप जैसी कंपनियां हैं। दिल्ली की ट्राइटन फूड वर्क्स कंपनी हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती करती है। ये कंपनी हाइड्रोपोनिक्स के उपकरण को बनाना सिखाती है और जरूरत पर इसका सेटअप तैयार करके उसे फिट भी कराती है। संजय जी, उम्मीद करते हैं आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। भाई, बात करते हैं आज के तीसरे सवाल की। गाजीपुर के रहने वाले किसान भाई दीपक कुमार ने भी हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे संपर्क किया। उनका सवाल है, आपका सवाल, पपीते की खेती के बारे में उचित सुझाव दें। हमारा जवाब, दीपक जी, पपीते के पौधे पहले रोपणी में तैयार किए जाते हैं। पौधे पहले से तैयार किए गए गड्ढे में जून जुलाई के महीने में लगाना चाहिए। जहां सिंचाई का समुचित प्रबंध हो वहां सितंबर से अक्टूबर और फरवरी से मार्च तक पपीते के पौधे लगाए जा सकते हैं। बीज पहले भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में लगाते हैं। कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हुए लगाते हैं। जब पौधे करीब 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाए तब प्रति गड्ढा 2 पौधे लगाना चाहिए। दीपक जी, यकीनन आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से निपटने के लिए आप हमसे संपर्क करेंगे हमारे टोल फ्री नंबर 1800121 पर और 0199 इसमें है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने बहुमूल्य सुझाव हमें देते रहें। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के लिए हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।